हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, मैं डॉक्टर भारती परमार अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये वीडियो है समकालीन और आधुनिक कलाकारों के संक्षिप्त परिचय पर प्रश्नोत्तर का पार्ट वन। इसके जो पहला मैंने वीडियो बनाया था उसमें चार कलाकारों का मैंने संक्षिप्त परिचय दिया था। अब उन चार कलाकारों पर मैंने इसमें प्रश्नोत्तर तैयार किए हैं, 40 प्रश्नोत्तर हैं जो आपके लिए एक रिविज़न का काम करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको श्रृंखला कैसी लग रही है। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। तो आइए देखते हैं इस श्रृंखला के प्रश्नोत्तर। दोस्तों, इस वीडियो में 40 प्रश्न रहेंगे और वो चार कलाकारों के रहेंगे जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो आप एक पेन पेपर लेकर बैठें और एक रिवीजन की तरह है ये आपने आपको एक टेस्ट मान लें कि आप टेस्ट दे रहे हैं, और आंसर अपने टिक करते जाएं और लास्ट में कमेंट बॉक्स में फिर मुझे लिखकर बताएं कि 40 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और मैं इसमें थोड़ा फास्ट चलूँगी क्योंकि एक रिवीजन है ये। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है, जी आर संतोष को पद्मश्री किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो जी आर संतोष जी को पद्मश्री मिला था 1977 में। आंसर है ऑप्शन ए, 1977। अगला प्रश्न है, अवतार सिंह पवार ने कला डिप्लोमा कहाँ से किया था? तो इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी शांति निकेतन से। आंसर है ऑप्शन बी, शांति निकेतन से इन्होंने मूर्तिकला और चित्रकला दोनों का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, अवतार सिंह पवार का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 14 जनवरी 1929 टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में। आंसर है ऑप्शन बी, गढ़वाल। कभी आ सकता है स्टेट का नाम आए तो उत्तराखंड, और ज़िले का नाम आए तो गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था 1929 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने तंत्र पर चित्रण किया है? तो तंत्र पर चित्रण किया है ऑप्शन बी, जी आर संतोष जी ने। ऑप्शन बी है इसका आंसर, जी आर संतोष। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप या तो सेटिंग में जाकर इसको स्लो कर लें या फिर वीडियो को पॉज करते जाएं। और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने ये 40 प्रश्न तैयार किए हैं। अगला प्रश्न है, जयराम पटेल ने कला का अध्ययन कहाँ से किया था? तो इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से। आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार ग्रुप 1980 का संस्थापक सदस्य था? तो कौन सा कलाकार था 1980 का सदस्य इनमें से? आंसर है बी, जयराम पटेल जी थे 1890 ग्रुप जो था उसके सदस्य, संस्थापक सदस्य। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कलाकार बड़ौदा स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना में सहयोगी था? बड़ौदा स्कूल ऑफ आर्ट एक संस्था बनी थी और उसमें सहयोग किया था जयराम पटेल जी ने। आंसर है ऑप्शन ए, जयराम पटेल। अगला प्रश्न है, एस जी श्रीखंडे का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 24 अप्रैल 1934 दमोह, जो कि है मध्य प्रदेश में। आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। एस जी श्रीखंडे ने कला का अध्ययन कहाँ से किया था? तो इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी लखनऊ से, कोलकाता, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया है, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ से। आंसर है ऑप्शन ए, लखनऊ। अगला प्रश्न है, अटैक श्रृंखला 1995 में किसने निर्मित की थी? तो ये श्रृंखला निर्मित की थी एस जी श्रीखंडे जी ने। आंसर है ऑप्शन बी, एस जी श्रीखंडे। किस कलाकार ने बड़ौदा में अध्यापन कार्य किया है? तो दिए गए ऑप्शन में से है ऑप्शन डी, जयराम पटेल जी ने बड़ौदा में अध्यापन कार्य किया है। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बैरिस्टर मुकुंदी लाल और आनंद कुमार स्वामी के मूर्ति शिल्प किसने निर्मित किए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अवतार सिंह पवार जी ने ये सारे मूर्ति शिल्प बनाए थे।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कलाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है जीआर संतोष जी को, क्योंकि ये लेखन कार्य भी करते थे, इन्होंने कहानी नाटक उपन्यास लिखे थे, तो इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1979 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था जीआर संतोष जी को। अगला प्रश्न है, अवतार सिंह पवार को राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ का सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो इन्हें यह पुरस्कार मिला था 1964 में इन्हें सम्मान मिला था। आंसर है ऑप्शन ए 1964। अगला प्रश्न है, जीआर संतोष ने कला का अध्ययन कहाँ से किया था? तो इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा, जहाँ इनके गुरु थे एनएस बेंद्रे जी। आंसर है ऑप्शन बी बड़ौदा। अगला प्रश्न है, जीआर संतोष किस कला समूह के सदस्य थे? तो ये सदस्य थे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन। आंसर है ऑप्शन सी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन के ये सदस्य थे। अगला प्रश्न है, अवतार सिंह पवार को डीलिट की उपाधि कहाँ से प्राप्त हुई है? तो उन्हें डीलिट की उपाधि दी गई थी कानपुर विश्वविद्यालय से। आंसर है ऑप्शन बी कानपुर विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, चित्र सुजाता वॉश शैली में किसने निर्मित किया है? मैंने आपको बताया भी था पहले वीडियो में, और ये जो चित्र है वो उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी में संग्रहित है, और इसको बनाया था सुजाता चित्र को वॉश शैली में अवतार सिंह पवार जी ने। आंसर है ऑप्शन ए अवतार सिंह पवार। अगला प्रश्न है, मिट्टी में निर्मित मूर्ति शिल्प संगीतज्ञ की टोली 1962 में जो बना उसे किसने निर्मित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए एस जी श्रीखंडे। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप स्लो कर लें सेटिंग में, या वीडियो पॉज कर करके अपने आंसर टिक करें। अगला प्रश्न है 20वां नंबर, निम्नलिखित में से किस कलाकार को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार 1984 में मिला था? आंसर है डी जयराम पटेल। इनको 1957, 63, 73 और 84 चार बार मिला था राष्ट्रीय पुरस्कार ललित कला अकादमी का। अगला प्रश्न है, जयराम पटेल द्वारा निर्मित मूर्ति शिल्प यूनिटी वन जिसका नाम है और जो 2000 में निर्मित हुआ, ये कहाँ संग्रहित है? ये बना था ब्लो टॉर्च और काष्ठ को जलाकर, और ये है एनजीएमए राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। ऑप्शन ए है इसका आंसर, ये एनजीएमए में संग्रहित है यूनिटी वन, ये बनाया था जयराम पटेल जी ने 2004 में। अगला प्रश्न है, हे राम जो कांसे में बना है और बनारस जो मेटल में बना है, इसे किसने बनाया है? तो ये दोनों जो हैं ये बनाए हैं श्रीखंडे जी ने, एस जी श्रीखंडे जी है यहाँ पर, एस जी श्रीखंडे जी ने बनाया है। आंसर है ऑप्शन बी सदाशिव गंगाधर राव श्रीखंड, इनका पूरा नाम था। अगला प्रश्न है, जयराम पटेल द्वारा निर्मित मूर्ति शिल्प स्टडी इन साइलेंस कहाँ संग्रहित है? स्टडी इन साइलेंस जो बनाया इन्होंने ब्लो टॉर्च और मिक्स मीडिया में 1963 में बनाया था इसे, और ये ललित कला अकादमी में संग्रहित है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली में। आंसर है ऑप्शन बी ललित कला अकादमी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, जयराम पटेल को डिज़ाइन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? इन्हें डिज़ाइन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था 1976 में। ऑप्शन बी है आंसर, 1976 में इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था डिज़ाइनिंग के लिए। अगला प्रश्न है, अवतार सिंह पवार को उत्तर प्रदेश सरकार का यश भारती सम्मान किस वर्ष मिला था? तो इन्हें मिला था उत्तर प्रदेश का यश भारती सम्मान, ये मिला था 1994 में। बी है इसका आंसर 1994।
अगला प्रश्न है, मुर्गा जल रंग में, घोड़ा जल रंग में और यात्री ये भी जल रंग में, ये किसने बनाए हैं? तो ये सारे चित्र बनाए हैं। आंसर इसका ऑप्शन ए, अवतार सिंह पवार जी ने बनाए हैं ये, क्योंकि ये मूर्तिकला और चित्रकला दोनों में दक्ष थे। ऑप्शन ए है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, अवतार सिंह पवार द्वारा निर्मित अमूर्त संयोजन मूर्तिशिल्प पर किस वर्ष का राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ था? तो अमूर्त संयोजन जो उनका उन्होंने बनाया, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था ललित कला अकादमी नई दिल्ली का 1968 में। आंसर है ऑप्शन ए, 1968 में इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था ललित कला अकादमी नई दिल्ली का। अगला प्रश्न है, अवतार सिंह पवार ने अध्यापन किस महाविद्यालय में किया? तो इन्होंने पढ़ाया था लखनऊ में, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ। आंसर है ऑप्शन सी, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ। अगला प्रश्न है, जी आर संतोष ने अमूर्त चित्रण तंत्र पर जो किया वो किस वर्ष निर्मित किया, मतलब किस वर्ष शुरू किया था? तो ये बताया जाता है उनका 1964, क्योंकि उनकी शैली तीन भागों में विभाजित रही। पहले उन्होंने कश्मीर की वादियों के चित्र बनाए, फिर अमूर्त चित्रण, और फिर 1964 से तंत्र पर अमूर्त चित्रण किया था उन्होंने 1964 से। अगला प्रश्न है, जी आर संतोष ने किस भाषा में उपन्यास और नाटक लिखे हैं? जैसे मैंने बताया इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था उपन्यास नाटक के लिए, और ये कश्मीरी और उर्दू दोनों भाषा में लिखते थे। तो आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, कश्मीरी और उर्दू भाषा में इन्होंने लिखा है। अगला प्रश्न है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी पीएन काचरू जी ने, सी है इसका आंसर, और जिसमें जीआर संतोष जी सम्मिलित हो गए थे 1950 में। उसकी स्थापना हुई थी 1948 में पीएन काचरू जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, अवतार सिंह पवार के गुरु कौन थे? तो अवतार सिंह पवार जी के गुरु नंदलाल बोस जी भी थे, रामकिंकर बैद जी भी थे, विनोद बिहारी मुखर्जी भी थे। आंसर हो जाएगा यह सभी, और सुरेंद्र नाथ भी जी थे। ये डी है आंसर, ये सभी थे इनके गुरु, क्योंकि इन्होंने शांति निकेतन से पढ़ाई की थी चित्रकला और मूर्तिकला दोनों की। अगला प्रश्न है, मदर एंड चाइल्ड, बांसुरी वादक, नंदी मुर्गे की लड़ाई मूर्तिशिल्प किसने बनाए हैं? तो ये सारे मूर्तिशिल्प बनाए हैं ऑप्शन ए, अवतार सिंह पवार जी ने। आंसर है ऑप्शन ए, अवतार सिंह पवार। अगला प्रश्न है, शीर्षकहीन चित्र 2004 में निर्मित जो हुआ कागज पर इंक में, ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में संग्रहित है, इसे किस कलाकार द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये शीर्षकहीन चित्र जो बनाया है कागज पर इंक माध्यम में, इसे जयराम पटेल जी ने बनाया था, और ये NGMA में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार की मृत्यु बड़ौदा में हुई? तो बड़ौदा में मृत्यु हुई थी जयराम पटेल जी की। आंसर है ऑप्शन बी, जयराम पटेल। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कलाकारों में से कौन चित्रकार और मूर्तिकार दोनों हैं? तो यहाँ पर आंसर है यह सभी, अवतार सिंह पवार, जयराम पटेल और एसजी श्रीखंडे, ये सभी चित्रकार और मूर्तिकार हैं। दोस्तों अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लें, क्योंकि ये तो वीडियो जो है वो रिवीजन का वीडियो है, सेकंड वीडियो है, और इन चारों कलाकारों को मैंने पहले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार को वेटर्न आर्टिस्ट सम्मान 1992 में प्राप्त हुआ था? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार को वेटरन आर्टिस्ट सम्मान 1992 में प्राप्त हुआ था? तो ये मिला था 1992 में एसजी श्रीखंडे जी को। आंसर है ऑप्शन ए, एसजी श्रीखंडे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने लंदन से टाइपोग्राफी और पब्लिसिटी डिज़ाइन कोर्स किया था? तो ये किया था जयराम पटेल जी ने। आंसर है ऑप्शन बी, जयराम पटेल।
अगला प्रश्न है, 1960 में मुंबई आर्ट सोसाइटी का रजत पदक किस कलाकार को प्राप्त हुआ था? तो ये मिला था ऑप्शन डी, जयराम पटेल जी को। आंसर है ऑप्शन डी, जयराम पटेल जी को 1960 में मुंबई आर्ट सोसाइटी का रजत पदक मिला था। अगला प्रश्न है और ये आखिरी प्रश्न है, 1957 में, 1964 में और 1973 में ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार किस कलाकार को प्राप्त हुआ था? तो ये तीन जो मिले हैं राष्ट्रीय पुरस्कार, ये मिले थे जिया संतोष जी को। आंसर है ऑप्शन ए, जी आर संतोष। अब दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए है, मैं छोड़ के जा रही हूँ, कि जी आर संतोष का जन्म कब और कहाँ हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? मतलब आपको जी आर संतोष जी की जन्म की वर्ष और मृत्यु का वर्ष कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, जिससे आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर लिखें और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।